हेलो एवरीवन, तो हम इस वीडियो में डोरी और स्टेप की लटकन बनाना सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इजी है और आराम से बन भी जाता है और देखने में काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये ब्लाउज का कपड़ा बचा हुआ था जिसकी मुझे लटकन बनानी है, तो इसमें मुझे तिरछी पट्टी कट करनी है पहले। तो मैं ये स्केल के बराबर से ही तिरछी पट्टी कट कर लूँगी। आप चाहे तो 1.5 इंच की पट्टी या 1 इंच की पट्टी कट कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप 1.5 इंच की पट्टी ही कट करें। तब इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से कट हो गया है। और मैंने क्या किया है कि 5 इंच बाय 5 इंच की 3 पट्टियाँ कट करी है, जो कि जो मेन कपड़ा ब्लाउज का जो रहता है उसकी मैंने 5 बाय 5 की पट्टियाँ कट कर ली है। तो जैसे स्क्वायर पट्टियाँ, तो 5 ऐसे 5, अगर आप इधर से नापेंगे तो ये स्क्वायर की हो जाएगी। तो 5 इंच बाय 5 इंच की मैंने जो मेन कपड़ा है उसकी 3 पट्टियाँ कट करी है, और अस्तर का जो कपड़ा है उसकी मैंने 3 बाय 3 की पट्टी कट करी है, ताकि मैं इसको थोड़ा डिफरेंट लुक दे पाऊँ। मतलब छोटा बड़ा करके हम लगाएंगे तो एक अलग सा डिज़ाइन बनकर आएगा। तो ऐसे मैंने पट्टियाँ कट करके रख ली है, और चलिए अब सिलना शुरू करते हैं। तो सिलने से पहले आप उसको जो तिरछा था उसको आप सीधा कट कर लीजिए दोनों साइड से। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, पहले हम डोरी बना रहे हैं, तो इसको दोनों साइड से बराबरी से मोड़ना है और सिलाई लगानी है। तो पहले जो हम सिलाई लगाने वाले हैं वो थोड़ी ब्रॉड, मतलब बड़ी सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम कपड़े को मोड़ें तो वो ईजिली अंदर की तरफ मुड़ जाए। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा चौड़ी सिलाई लगाएंगे, फिर हमें जितनी भी पतली डोरी चाहिए उतनी हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। जितनी पतली डोरी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही पतली सिलाई लगा लेंगे। तो उससे क्या होगा, जब कपड़े को हम बाहर की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो ईजिली मुड़ जाएगा जब हम डोरी को सीधा करेंगे। अब हमें क्या करना है, जिस साइड से हम मोड़ना शुरू करेंगे उधर हम अच्छे से सिलाई मजबूत वाली लगा लेंगे। तो जैसे कि हमने आगे से थोड़ा चौड़ा सिलाई दिया था, तो उस तरफ हम अच्छे से 2 बार सिलाई लगा लेंगे। और अब हमें थोड़े कपड़े छांटने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये हमारे डोरी बनकर रेडी है, अब इसमें से हम कपड़े छांटना शुरू करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा आपका जो दिख रहा है ना सिलाई में, उसे हम कट करते जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। सावधानी से कि कोई सिलाई ना कटे। तो अभी हमारी पतली सी डोरी जो हमने बनाई थी और आगे से हमने थोड़ा चौड़ा छोड़ा था, तो वैसा आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, कोई भी सॉलिड मतलब सुई धागा ले लेना है, और उसको 2 धागे में ले लीजिए, या मेरे पास मोटा वाला धागा था तो मैंने मोटा वाला धागा ऑलरेडी पिरो लिया है। तो अब आपको इसमें क्या, एक टाका लगाना है मजबूत वाला। जैसे कि मेरा धागा मोटा है तो मेरे 1 टाके में भी काम चल जाएगा। आपका धागा थोड़ा अगर पतला है तो उसको आप अच्छा स्ट्रांग वाला बना लीजिए, कम से कम 2 धागे डालकर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो भी हो गया है। अब हम इसको सुई की मदद से सीधा करने की कोशिश करेंगे। तब आपको सुई से क्या करना है, एक छोटा सा होल टाइप का इसमें कर देना है, और फिर सुई उल्टी साइड से हम उसमें बाहर की तरफ लाना शुरू करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको हम उल्टे साइड से बाहर की तरफ लाना शुरू करेंगे।
अब हमारा सुई का काम हो चुका है तो हम उसको हटा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी हमारा चौड़ा वाला साइड था जिधर से हमने चौड़ा छोड़ा हुआ था उसमें उसको आगे की तरफ जिस साइड से हमको उसको सीधा करना है ना, तो उसको जो भी हमने नॉट लगाया था और जो गिठान लगाई थी उसे हम उसे आगे की तरफ कर देंगे ताकि हम जब उसे बाहर निकलने की कोशिश करें तो ईजिली निकल जाए। मतलब हमें थोड़ा सा पार्ट ही उसको आगे की साइड पुश करना है ताकि हम जैसे ही उसको बाहर निकालने की कोशिश करें दूसरे साइड से तो ईजिली निकल जाए। अब आपको धागा पकड़कर धीरे धीरे इस तरीके से खींचना शुरू करना है तो आपका वो वाला जो पार्ट है ना वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे शायद आपको वीडियो में भी शो रहा होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। और जैसे कि कपड़ा थोड़ा हमारा उरेप कटा हुआ है तो उरेप हम इसीलिए काटते हैं ताकि वो इजीली स्ट्रेच हो जाए। हाँ, कपड़ा काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है तो हम कितनी पतली पट्टी बनाते हैं वो बन जाती है, सॉरी डोरी, हम जितनी पतली डोरी बनाना चाहते हैं वैसे बन जाती है, इसलिए हम उरेप कट करते हैं। अगर आप सीधा कट करेंगे तो वो आपका आसानी से बाहर नहीं निकलेगा और आपका जो डोरी है वो सीधा होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपको धीरे धीरे उस धागे को अपनी तरफ खींचना है बाहर की तरफ और वो पीछे से भी थोड़ा थोड़ा पुश करते जाना है। ये वीडियो मैंने बिल्कुल भी स्किप इसलिए नहीं किया ताकि आपको इजीली दिख जाएगी किस तरीके से आपको डोरी को आगे की तरफ खींच कर लाना है। तो इसमें यह 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है और आपकी डोरी बनकर रेडी हो जाती है। तो ये आपकी डोरी बाहर की तरफ निकल गई है और बहुत ही पतली सी डोरी बनी है। और अगर आप चाहें तो इससे भी पतली बना सकते हैं, बट मैं मुझे यही प्रेफरेबल है, तो आप इससे भी पतली डोरी बना सकते हैं इसी प्रोसीजर से और वो काफ़ी इजी बन जाती है। अब आगे जो हमारा धागा निकल रहा है आप उसको कट कर ले। अब पीछे का जो चौड़ा वाला साइड है उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ हमारी लटकन लग जाएगी तो ये उसमें नहीं दिखेगा। तो अब हम लटकन बनाना शुरू करते हैं। तो जो भी हमने स्क्वायर शेप में पट्टियाँ कट करी थी उससे हम लटकन बनाना शुरू करेंगे। तो आपको पट्टी को इस तरीके से मोड़ना है, एक्स्ट्रा पार्ट पहले कट कर लीजिए अगर कोई है तो, और आपको इस तरीके से मोड़ना है और जिस भी साइड से आपको लटकन लगानी है उसे ऐसे रखें और इस पर सिलाई चला लेनी है। अब सिलाई कैसे चलाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने इस तरीके से रखा और इसे जैसे कि हमारा उल्टा साइड है और हम एक कोने को उठाकर दूसरे कोने पर रख देंगे तो ये त्रिकोण जैसा बन जाएगा। अब बस अब हमें इस पर सिलाई लगानी है और जो हमारा कॉर्नर है उसे हम इसलिए मोड़े ताकि एक ही एक अच्छी सी फिनिशिंग दिखे और मतलब बाहर निकल के ख़राब सा नहीं दिखेगा, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, इसलिए हम उसको मोड़ ले रहे हैं। आप ना चाहे तो ना भी मोड़े, उसे बाद में कैंची से कट कर सकते हैं, बट कैंची से ना काटना पड़े इसलिए मैंने उसे मोड़ दिया है और एक अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। तो बस अब आपको ऐसी सिलाई लगा देनी है। कम से कम 2 सिलाई लगा ले, इससे क्या है कि हमारा मजबूत बन जाएगा, वरना वो बार बार निकल जाता है तो उससे बचने के लिए आप 1 सिलाई एक्स्ट्रा लगा देंगे तो ये परमानेंट हो जाएगा, आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। ठीक
आगे में सिलाई लग गई है और ये एक टाइप एक तरफ का मान लटकन बनकर रेडी हो गया है। अब बस इस तरीके से इसको सीधे करना है और आप डोरी को हल्का सा भी खींचेंगे तो वो अपने शेप में बराबर से आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ही सिलाई पे ये कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, हमें इसे देखना ही नहीं पड़ेगा और ये काफी ब्यूटीफुल भी दिखेगा। बस इसी तरह आपको दूसरी भी लगानी है। तो ये जैसे हमारा उल्टा कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे और हमारी लटकन के ऊपर रखकर जिस तरह हमने पहली वाली सिलाई लगाई थी वैसे ही हम इसे भी लगा लेंगे। तो बस जैसे हमने पहले वाले में सिलाई लगी थी वैसे ही इसमें भी लगा लेंगे और इसको सीधा करते हुए चले जाएंगे। और बस इसी तरह आपको सारी सिलाई लगा लेनी है और उसके हम वन बाय वन सीधा करते जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और शायद समझ में भी आया हो। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो आप चाहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो ये हमारी डोरी बनकर रेडी है और काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती है। जैसे मैंने एक बड़ी लगाई थी एक छोटी लगाई थी तो मुझे उस टाइप का डिज़ाइन चाहिए था। आप चाहे तो सब एक जैसी भी लगा सकते हैं और आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में बना के भी लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ। तो ये हमारी डोरी बनकर रेडी है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस प्रोसीजर से अगर आप बनाएंगे तो आपको फिनिशिंग के लिए दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, बार बार सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।